एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का एक ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है, सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रासरूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है, और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। एक दूसरे का सहयोग किया है, हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है, भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं वे, और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके
इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया कर्नाटक और तेलंगाना में, दोनों जगह। साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा, और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे, और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी, और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन गया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार, हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप, आंध्र, मैं अभी बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं, और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है
आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पर ही एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे। लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है।